हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग एकेडमी। मैं नील कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम का पार्ट 4। इसमें हम देखेंगे जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके बारे में, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये उसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद में एक पार्ट और आएगा, मतलब टोटल जो न्यूरोलॉजी है उसके 6 वीडियो बनेंगे। उसमें से 4 और 5 उसमें पढ़ेंगे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और जो छठा वीडियो आएगा, जो 6 पार्ट आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे न्यूरोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। तो इसमें देखिए, पहले बात करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के बारे में देखिए, ये क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती है? मेनिंजेस जो लेयर है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, ठीक है, वो लेयर है, उस लेयर को क्या कहते हैं? मेनिंजेस। अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एडल्ट। एडल्ट में मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी, ठीक है। और नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रेन, उसका क्या होगा? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये जो जितने भी पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क करके रखे हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए, चिल्ड्रेन में हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस में क्या ज़रूरी है? आइसोलेशन ज़रूरी है। अगर किसी चिल्ड्रेन में हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस है तो उसको क्या करके रखेंगे? आइसोलेट करके रखेंगे। आइसोलेट मतलब क्या होता है? अलग करना, ठीक है, यानी जो और बच्चे हैं उनसे अलग करके रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाइजीरियन मेनिंजाइटिस या उसका अदर नाम क्या है? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, या जो भी कम्युनिटी ग्रुप है उसमें क्या है? कॉमन है। और किसके कारण फैलता है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, ठीक है। इसका वे क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन वायरल मेनिंजाइटिस इन एडल्ट। एडल्ट में मोस्ट कॉमन वायरल मेनिंजाइटिस कौन सा है? हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट, ठीक है। और मोस्ट कॉमन वायरल मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रेन वो कौन सा है? हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड, ठीक है, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, फंगल मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्म्स। जो फंगल मेनिंजाइटिस है वो किसके कारण होता है? क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मांस में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस के साइन और सिम्टम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में, इसमें फर्स्ट है कर्निंग साइन। नेक्स्ट है ब्रुडजिंस्की साइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें नकल रिजिडिटी देखने को मिलेगी और फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब लाइट से जो उसकी आंखें हैं वो अपने आप बंद होने लग जाएगी, ठीक है। कई बार हम यानी सूर्य की तरफ देखते हैं तो आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं ना, वैसे उसी हिसाब से अगर उसको कोई भी थोड़ी लाइट देखेगा तो वो क्या करेगा? आंखें बंद करने लग जाएगा। नेक्स्ट, लंबर पंचर इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? लंबर पंक्चर। नेक्स्ट, कॉब वेव अपीयरेंस इन CSF इंडिकेट्स। जो कॉब वेव अपीयरेंस है CSF में ये किसको इंडिकेट करेगी? ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस को। नेक्स्ट देखिए, ए मेजर प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ ए चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग मेनिंजाइटिस इज टू बी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नर्स है वो कोई एक यानी पेशेंट है, एक बच्चा है, किसका है? मेनिंजाइटिस का। तो उसके लिए मेजर नर्सिंग केयर क्या होगी? आइसोलेट द चाइल्ड इमिडिएटली। जो भी बेबी है उसको क्या करेगी? आइसोलेट करके रखेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है तो मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट, इफ़ इज सस्पेक्टेड दैट ए पेशेंट हैज़ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस एंड शुड देयरफॉर बी आइसोलेटेड। इसमें देखिए, अगर एक पेशेंट है उसमें आपको मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस देखने को मिला है तो नर्स है उसको कितने टाइम तक, कब तक उसको क्या रखेगी? आइसोलेट रखेगी। कब तक? इसका आंसर क्या होगा? जब तक उसकी जो रिपोर्ट है, जो कल्चर रिपोर्ट है, वो नेगेटिव ना आ जाए, ठीक है। ये क्या है? उसको तब तक क्या रखेगी? आइसोलेट करके रखेगी। इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, एल्बो वायरस, फिलेवी वायरस, इसको हम कौन से नाम के नाम से जानते हैं? वेस्ट नील वायरस और सेंट लुइस वायरस, जो किसको कोज करता है? जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है। जापानीज इंसेफेलाइटिस किसके कारण होता है? या तो आप उसको एल्बो वायरस बोल सकते हो, फ्लेवी वायरस बोल सकते हो, वेस्ट नील लुइस वायरस बोल सकते हो, या सेंट लुइस वायरस कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रोक की।
या सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज। इसमें देखिए ब्रेन की ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन के कारण ब्रेन की टिश्यू को इंजरी होना, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है उसकी ब्लड सप्लाई है ब्रेन की, अगर वो रुक जाएगी तो उसके जो ब्रेन टिश्यू है वो क्या होने लग जाएंगे, डैमेज होने लग जाएगी। ये क्या कंडीशन है, स्ट्रोक। स्ट्रोक इज सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ कौन सा है, स्ट्रोक ही है। और फर्स्ट का कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। नेक्स्ट देखिए इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक इसको हम ब्रेन अटैक के नाम से जानते हैं, यह ब्रेन को ब्लड सप्लाई में इंटरप्ट करता है, ठीक है। इस्केमिक स्ट्रोक है, इसको क्या कहते हैं, ब्रेन अटैक, या ब्रेन को ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन के कारण होता है। इंटरप्शन मतलब अवरुद्ध आना ऑब्स्ट्रक्शन में। नेक्स्ट हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक को हम ब्रेन हेमरेज के नाम से भी जानते हैं, यह किस कारण से होता है, जो भी ब्रेन की ब्लड वेसल्स है उनमें रप्चर होने के कारण। साइंस सिम्टम क्या होगा, एक्सप्लोडिंग हेडेक, ठीक है। और सर्जिकल मैनेजमेंट, जो भी क्लॉट बनेगा ब्लड वेसल्स में उसका क्या करना, इवैक्यूएशन करना, उसको खाली करना, ठीक है। नेक्स्ट TIA, पूरा नाम क्या है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, यह स्ट्रोक की प्री कंडीशन और वार्निंग साइन है, ठीक है। स्ट्रोक का वार्निंग साइन क्या है, TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। नेक्स्ट देखिए स्ट्रोक के पेशेंट में सबसे पहले MRI और CT स्कैन करवाते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन में उसको ये लगे कि स्ट्रोक है तभी पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं स्ट्रोक का। एक क्वेश्चन जो बहुत बार मेरे से पूछा गया है, व्हेन हेल्पिंग ए स्ट्रोक पेशेंट नर्स शुड असिस्ट द पेशेंट, यानी एक कोई भी नर्स है अगर वो स्ट्रोक के पेशेंट को असिस्ट कर रही है तो वो कौन सी साइड से असिस्ट करेगी, वीक साइड या स्ट्रॉन्ग साइड। तो जो हमेशा नर्स है वो वीक साइड से क्या करेगी, उसको सपोर्ट देगी। स्ट्रॉन्ग साइड से सपोर्ट देने का मतलब मेरे को नहीं पता, कई बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग साइड से देते हैं, स्ट्रॉन्ग साइड से क्यों सपोर्ट देंगे, अगर कोई पेशेंट है वो पहले से किसी स्ट्रॉन्ग साइड से अपने मतलब काम करने में एबल है तो उसको स्ट्रॉन्ग साइड से सपोर्ट देने की ज़रूरत कहाँ पर है, उसको सपोर्ट देंगे हम वीक साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर एडमिशन ऑफ क्लाइंट विथ थ्रोम्बोलाइटिक सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट, पहले 24 घंटे में अगर कोई थ्रोम्बोलाइटिक सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट का पेशेंट है तो उसमें क्या नर्सिंग असेसमेंट करोगे, नर्स असेस करेगी एक पेशेंट है थ्रोम्बोलाइटिक सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट का तो उसका क्या असेस करेगी, पिपल साइज एंड पिपलरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस यह एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ क्या बनने लगती है, एंटीबॉडी बनने लगती है। अब एसिटाइल कोलिन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लग जाएगी तो जो मसल टोन है वो क्या होगी, कम होने लग जाएगी, ठीक है। एसिटाइल कोलिन किसका काम करता है, मसल के टोन बनाने में, अगर उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी बनने लगेगी रिसेप्टर के खिलाफ तो एसिटाइल कोलिन का क्या हो जाएगा, एक्शन कम हो जाएगा और मसल है उसकी टोन गिरने लग जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए इट इज ए डिजीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यह एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम माइस्थेनिया ग्रेविस का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन क्या है, टोसिस, ठीक है, क्या है, टोसिस, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है। टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए टेस्ट कौन सा करते हैं, एंड्रोफोनियम टेस्ट या टेंसिलोन टेस्ट, एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, नियोस्टिग्माइन, ठीक है, नियोस्टिग्माइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें माइलिन शीट के खिलाफ क्या बनने लगती है, एंटीबॉडी, जिससे माइलिन शीट है वो डैमेज होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलेनबेर सिंड्रोम या GBS, यह एक अभी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें पेरिफेरल नर्व की माइलिन शीट के अगेंस्ट क्या बनने लगती है, एंटीबॉडी। यहाँ पे किसके, यहाँ पे पेरिफेरल नर्व की माइलिन शीट के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है। इसका क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, NCT नर्व कंडक्शन टेस्ट। मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट में हम देंगे IV इम्यूनोग्लोबिन गामा, ठीक है।
ये था न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।